आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर से चलने लगा है। लखनऊ में बसपा नेता के एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्शन मोड में बाबा का बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद काली कमाई और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने का क्रम जारी है। चाहे वो बाहुबली अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान हो या फिर बसपा नेता फहाद का अपार्टमेंट, हर जगह अवैध निर्माण पर सख्ती की जा रही है। लखनऊ के बालू अड्डे में याजदान ग्रुप के द्वारा बनाए गए इस 6 से 7 फ्लोर की जो इमारत है, जो कि 19,000 स्क्वायर फीट में बनी है, इसको गिराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को अवैध करार देते हुए बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और साथ ही साथ चारों तरफ से जेसीबियां लगी हुई हैं जो बिल्डिंग को तोड़ रही हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और साथ ही साथ एलडीए के अफसर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये बिल्डिंग में वो तमाम लोग जो फ्लैट अपने बुक कराए थे, जिन्हें पजेशन मिलने वाला था, उनके लिए बेहद बुरा दिन है। यहाँ पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और उनकी तरफ से उनकी गश्त भी जारी है। ताजा मामला लखनऊ के बालू अड्डा इलाके का है, जहां हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई में बसपा नेता फहाद की 6 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त किया गया। आरोप है कि ये इमारत लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई। जानकारी के मुताबिक एलडी अधिकारियों ने पहले इस बारे में नोटिस दिया, लेकिन जवाब न देने पर ये कार्रवाई हुई। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, करीब 4 साल से तो हम ही देख रहे थे इसको, बिल्डिंग को बनते हुए। और आप देख ही रहे हैं, 6 फ्लोर खड़े हो चुके हैं, 7वें की स्लिप पड़ रही है। तो अगर नजूल की थी तो आप नोटिस एक परमानेंट यहाँ चिपका होना चाहिए, काम बंद होना चाहिए, बिल्डिंग को सील होना चाहिए था। बाकायदा काम चल रहा था यहाँ पे, अभी 10 दिन पहले भी मैं आया था तो भी यहाँ पे काम चल रहा था, लेबर लगे थे, मिस्त्री लगे थे, सब काम हो रहा था। तो अगर ये नुजूल की थी तो इसको सील होना चाहिए था, काम आगे होना ही नहीं चाहिए था। इस पर कोई जो नक्शा पास होता हमारे यहाँ से, नक्शा कोई पास नहीं हुआ इनका और ये निर्माण करते हैं, इसीलिए हम लोग इस पर कार्रवाई पहले किए थे और ध्वस्तीकरण आदेश हम लोग पारित किए। उस आदेश के खिलाफ एक कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए, वहाँ से भी इनकी जो अपील थी वो खारिज हो गई है। और एक होता हमारे यहाँ कंपाउंडिंग होती है, लोग अगर मान लीजिए नक्शा नहीं पास कराए तो उसी कंपाउंडिंग धारा 32 में करा सकते हैं। इन्होंने कंपाउंडिंग दाखिल की थी, लेकिन चूंकि ये लैंड नजूल की है इसलिए NOC ना मिलने के कारण जो है ये इसकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाई और ध्वस्तीकरण इस पे आज कराया जा रहा है। इससे पहले बाराबंकी, बुलंदशहर, जालौन और प्रयागराज में भी बाबा का बुलडोजर इसी तरह से चल चुका है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी मकान को ध्वस्त किया गया था। इस मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ज्यादा ऊंचाई की बाउंड्री वॉल का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की। इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी का बुलडोजर खूब चर्चा में रहा था। कई मौकों पर तो उन्होंने खुद बुलडोजर बाबा की छवि को कबूल लिया। अब जब उत्तर प्रदेश में योगी की नई टीम आ चुकी है तो बुलडोजर चलना लाजमी है। आने वाले समय में और कितने लोगों पर गाज गिरती है ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। लखनऊ में आज जिस तरह से बुलडोजर चला है, इसने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले 5 साल तक आरोपियों पर, अपराधियों पर लगातार यूं ही कार्रवाई होती रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।